नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोहन थाल, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 5 से 6 चम्मच घी, 1 कप शक्कर, 6 से 7 चम्मच हमने दूध लिया है, बारीक कटे हुए पिस्ता 4 से 5 लिए ही हमने, 2 से 3 इलायची को हमने बारीक कूट लिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम मोहन थाल बनाना। मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बेसन लेंगे। ये बेसन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी, 4 से 5 चम्मच हम इसमें ये दूध डाल देंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमने ये बारीक वाला बेसन लिया है, जो नॉर्मल बेसन आता है, इसे हम पूरा एक जैसा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसमें घी और दूध को बेसन में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरीके से हो गया है ये। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम ये बेसन को इस छलनी में अच्छे से छान लेंगे इस तरीके से। इसमें हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और ये छलनी हमने ना ज्यादा मोटी ली है और ना ज्यादा बारीक वाली ली है, इससे हमारा जो बेसन है ये बिल्कुल एक जैसा दानेदार हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे बेसन को छान लेंगे छन्नी में। ये देखिए, बेसन को हमने इस तरीके से बारीक बिल्कुल छान लिया है। अब हम इसे घी में भूनेंगे। बेसन भूनने के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। ये 3 से 4 चम्मच हमने इसमें घी लिया है। अब हम इसमें बेसन भी डाल देंगे। हमें गैस की आंच बिल्कुल मीडियम ही रखनी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए सेकेंगे। ये देखिए, हमने इसमें घी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे मीडियम आंच पर इसका बिल्कुल कलर चेंज होने तक और खुशबू आने तक इसे इसी तरीके से चलाते हुए भुनेंगे। जब तक हमारा बेसन सिक रहा है, तब तक हम एक साइड चाशनी बनने भी रख देते हैं। चाशनी के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया। अब हम इसमें ये 1 कप शक्कर डालेंगे और हम इसका 3/4 पानी डाल देंगे इसमें। और हम इसे भी धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। हमें चाशनी 2 तार की बनानी है। हम दोनों को ही बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम इसे मीडियम आंच पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारे बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये हल्का ब्राउन हो गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और अब हम चाशनी देखते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी भी अच्छे से उबल रही है। हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने तार बन रहे हैं। अभी हमारी चाशनी गाढ़ी नहीं हुई है। हम पानी में डाल के देख लेंगे, अगर ये जम रही है मतलब चाशनी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, हमारी चाशनी में 1 तार बनना शुरू हो गया है। तो अब हम चाशनी का भी गैस बंद कर देंगे। बेसन चक्की या मोहन थाल जो भी बनाने के लिए चाशनी को 2 तार की बनाया जाता है, लेकिन हम हमेशा चाशनी को 1 तार की ही बना के उसका गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 तार की चाशनी बनाने से जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। जब तक हम उसमें मिक्स करते हैं
तो हम एक तार की चाशनी को ही बेसन में मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल गैस धीमा करके इसे चलाते जाएंगे, जिससे कि वो दो तार की हो जाएगी और वो जमने लगेगी। तो अब हम इसे बेसन में डाल देंगे। हमने बेसन और चाशनी का गैस बंद कर दिया है। अब तब तक हम इसमें, जिसमें हमें मोहन थाल बनाना है, उसमें हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। हम इसे पूरा घी से कवर कर देंगे। ये देखिए, हमने इस पॉट को अच्छे से घी से चारों तरफ से कवर कर दिया है। तो अब हम बेसन और चाशनी को मिक्स करते हैं। ये हमने बेसन का गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ये बारीक कुटी हुई इलायची डाल देंगे, थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मिक्स कर देंगे हम इसमें। अब हम ये जो चाशनी है ये डाल देंगे इसमें। अब ये चाशनी हम इसमें डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर देंगे हम। ये दिख रहा है ना कि ये अभी बहुत पतला है। तो अब हम ये एक तार की चाशनी जो हमने इसमें डाली है, हम बेसन के साथ ही इसमें पकाएंगे, जिससे ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। जिस तरीके से दो तार की चाशनी होती है, इस तरीके से बनाने से कभी भी हमारी चाशनी वाली मिठाई बिगड़ती नहीं है और वो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती है। बाकी की बची हुई चाशनी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें गैस थोड़ा सा मीडियम करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, हमने इसे 5 मिनट तेज आंच पर पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये जो हमारा बेसन का जो ये पैन है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो हम इसे बंद गैस पे ही कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर हम गैस ऑन रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसे ठंडा होने देंगे चलाते हुए। देखिए, ये बिल्कुल चलाते चलाते किस तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसी तरीके से इसे जमने के लिए रख देना है। और आप जिस तरीके से मैंने चाशनी बना के मिठाई बनाना बताइए, आप इस तरीके से जरूर बनाइए। आपकी मिठाई कभी भी नहीं बिगड़ेगी, हमेशा सॉफ्ट बनेगी। तो अब हम इसे उसमें पॉट में जमने के लिए डाल देते हैं। ये देखिए, ध्यान रखना है, हमें इसे बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने देना है, नहीं तो हमारा मोहन थाल बहुत ही ज्यादा कड़क हो जाएगा। हम इसे हल्का सा टेक करेंगे, जिससे ये एक जैसा हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसमें चाकू से कट लगा देंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट्स के ऊपर डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि ये बाहर ना आए। अब हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं इसी तरीके से। ये हमारा मोहन थाल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें कट लगा देंगे। ये देखिए, हमारा मोहन थाल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम चाकू से इसमें कट लगा देंगे। इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसमें चारों तरफ से कट लगा दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
मोहन थाल सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।